नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी के निवास स्थल पर बैठकर के बैठक कर रहे थे। इसी बैठक के अंदर क्या सामने आया है और जनता को लिए क्या अच्छी बात सामने आई है, आइए हम आपको बताते हैं। सर, आज बड़े पारिवारिक माहौल में बातचीत हुई है, जो लगातार कई तरह कयास थे वो खत्म हो गए। ये ऐसे कयास मीडिया में लगते ही रहते हैं, वैसे वास्तविकता दूसरी होती है। राजनीति में जो दिखता वो होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था, परंतु मीडिया में इतना बवाल खड़ा हो गया थे ग्रुप G23। कोई बात ही नहीं, सब लोग जब राहुल गांधी को सोनिया जी को नेता मानते हैं तो भी झगड़ा की बात का होता है, पर मीडिया में इतना ज़्यादा आ गया कि पत्र लीक क्यों हो गया, लीक तो कई बार हो ही जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। सबकी भावना वही थी कि राहुल जी को नेतृत्व लेना चाहिए और हम सब मिलकर के मुकाबला करें उन ताकतों का जो ताकतें देश को बर्बाद कर रही है, जो ताकतें डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है, जो ताकतें इनकम टैक्स, ED, CBI, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन सबका मिसयूज कर रही है। उन ताकतों का मुकाबला तभी होगा तब तमाम विपक्षी पार्टियां देश के अंदर उठ खड़ी होगी। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, कोई व्यक्ति की लड़ाई किसी से नहीं है। उसी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस में दमखम है, कांग्रेस गांव-गांव में फैली हुई है। जिनको भ्रम है कि दिल्ली में राजधानी में जो अफवाह चलती है मीडिया उससे गाइड होता है, राष्ट्रीय मीडिया भी अधिकांश उससे गाइड होता है जो दिल्ली में अफवाहें चलती रहती है। वास्तविकता में कांग्रेस बहुत मजबूत है राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर, ब्लॉकों के अंदर। और आप देखेंगे एक आने वाले वक्त के अंदर एकजुट होकर के तमाम लोग जो प्रोग्राम, पॉलिसी और जो प्रिंसिपल कांग्रेस के हैं उसको सामने रखते हुए ही अभियान चलेंगे। काम हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर कोई बात? ये तो देखिए, चुनाव इलेक्शन कमीशन की बात है, वो प्रोसेस अलग होता है। पर जहाँ तक आज बातचीत सबकी हुई है, सब मिलके कांग्रेस 40-40 साल लोगों ने दिए हैं कांग्रेस के अंदर, 50-50 साल दिए, वो सब मौजूद थे वहाँ पर। और सबकी एक ही स्वर्ण बात थी कि फासिस्ट ताकतों से जो हत्या कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, उन ताकतों से 70 साल में इंदिरा गांधी शहीद होगी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, जिसने बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, 93,000 सैनिकों को कर्नल जनरल को सरेंडर करवा दिया, उस इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई तो खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी हत्या हो गई प्रधानमंत्री बनने वाले थे, जो त्याग बलिदान कांग्रेस ने किए आज तक उसी कारण से 70 साल में देश एक अखंड रहा है। अब ताकतें जो बात कर रही है वो देश को कमज़ोर करने वाली बातें हैं। हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। डेमोक्रेसी में जाति, धर्म, वर्ग से काम नहीं चलता है। डेमोक्रेसी प्यार मोहब्बत का सिलसिला है, प्रक्रिया है राजनीति की, जिसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के लोग प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे रहें, उसका नाम डेमोक्रेसी है। ये उसको तोड़ रहे हैं और हम तोड़ने देंगे नहीं इनको। सर, एक खरीदार को लेकर बात हो रही थी, खरीदार को अहमद पटेल जी के जगह कोई बात, और इस किसान वाले मुद्दे पर बात, किसानों का मुद्दा तो छाया हुआ है, क्योंकि सर मोदी कह रहे हैं कि हम तो सब एक स्वर में है कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, बड़ी ठंड के अंदर बैठे हुए हैं और ये इतने संवेदनहीन लोग हैं कि संवेदनशीलता नाम की चीज़ नहीं है, वरना तमाम लोग मिलकर के किसानों से बातचीत करते, रास्ता निकालते। और ठंड के अंदर जो बैठे हुए हैं, कितने लोग मारे गए कोई सोच नहीं सकता। आंकड़े अलग अलग आते हैं मीडिया के अंदर, तो हम भी नहीं कह सकते कितने लोग मारे गए हैं, पर लोग मर रहे हैं ठंड में। और जैसे मजदूर पैदल चले थे लॉकडाउन के वक्त में, उसी ढंग का रिएक्शन देश के अंदर आज बना हुआ है,
किसानों को लेकर बना हुआ है। ठंड में लोग बैठे हुए हैं, आप देखते हो उनके जो चेहरे किस प्रकार के लोग हैं। खेतीर किसान भी है, खेतीहीन मजदूर भूमिहीन मजदूर भी उसके अंदर, बड़े छोटे सब किसान हैं और सब दुखी हैं। सरकार को चाहिए, प्रधानमंत्री खुद को चाहिए, बड़ा दिल रख कर के वो प्रतिशत का सवाल नहीं बनाए। अगर वो कानून वापस लेते हैं तो डेमोक्रेसी में जो मांग करती जनता, उनकी उनका मान सम्मान बढ़ता है तो डेमोक्रेसी मजबूत होती है। इनको अपना अहम गमन छोड़ करके कानून को सुनिश्चित करना चाहिए। इस खबर पर इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।